आदाब, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल समय उर्दू हिंदी में। आज से हम उर्दू की भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे भाग टू, भाग दो में हमारी पोथी। तो इसके अंदर सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले हम इसमें स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मात्राएं एक एक करके पढ़ेंगे, और इस तरह हम ये किताब पूरी कर लेंगे। अगर आपने ये किताब बहुत ध्यान से पढ़ ली मेरे साथ, तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप जो है ये आसानी के साथ दुनिया की कोई सी भी हिंदी किताब पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट नंबर एक से पहले जो स्वर और व्यंजन हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर, देखिए स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले छोटा आ, फिर बड़ा आ, यानी अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, अंग, आ। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिए कि इसके अंदर स्वर तो सिर्फ 11 ही हैं। दो दो चार, दो छः, दो आठ, और दो दस, और एक 11 ही। तो अंग जो है स्वर क्यों नहीं है और आह स्वर क्यों नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वर जो होता है वो किसी व्यंजन की आवाज़ उसमें नहीं निकलती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग में आ की भी आवाज़ है और ना की भी आवाज़ है, और ना जो है व्यंजन है, इसी वजह से ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। इसी तरह आ, इसमें आ और हा की आवाज़ है, तो ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो स्वर कितने होते हैं? 11, और योग दो, अयोगवा दो और स्वर 11। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वर को हमने किस तरह से पढ़ा, अब यहाँ पे ये तो तरतीब से थे और ये बेतरतीब हैं, यानी जो है सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे ये इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि आप इन्हें पहचान सके कि भाई ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो ई है बिल्कुल शुरुआत में आ गया था, और यहाँ पे जो ई आया था वो तीसरे नंबर पे था, जबकि यहाँ पे छोटी ई पहले नंबर पे है। इसी तरह ए यहाँ पे इतनी दूरी पे था और यहाँ पे दूसरे नंबर पे। उ, बड़ा आ, ई, इसी तरह ओ, इसी तरह ये सारे जो है अक्षर हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए इन्हें और हमें बताइए कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी जो अब अगली वीडियो है उसके अंदर हम व्यंजन सीखेंगे। धन्यवाद।